नीलकमल जी, जी सर। परिचय दीजिए आपका। सर मेरा नाम नीलकमल कुमावत है। मैं मूलतः मंदसौर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th की जो एग्जाम है वो लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर से की है। उसके पश्चात मैंने BSc कंप्यूटर साइंस और MSc मैथमेटिक्स में राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर से किया है। वर्तमान में मैं पटवारी के पद पर पदस्थ हूँ और ये सर मेरा सेकेंड इंटरव्यू। ए आर इससे का जी नहीं सर, ये AR का फर्स्ट है। इससे पहले मैंने फॉरेस्टर दिया है, फॉरेस्टर का दिया PSC का। BSc का। आप वर्तमान में पटवारी हैं, जी सर, कहाँ पर? मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में पदस्थ हूँ सर। अच्छा, तो जिस जगह पर आप पटवारी हैं वहां पर अफीम की खेती है, अलाउड है? जी सर, होती है पट्टो मंदसौर जिले में अफीम की खेती होती है। किस आधार पे सरकार उनको लाइसेंस देती है कि आप अफीम की खेती कर सकते हैं? जी सर, वर्तमान में अभी 4.2 kg पर हेक्टेयर पर उसका जो सारे लोगों को लाइसेंस मार्किंग है? मार्किंग निकल नहीं सर, अभी पिछले जो कुछ जिनके पट्टे थे उनको, किस वर्ष में पट्टे दिए गए थे ये? सॉरी सर इसके बारे में मुझे जानकारी। कितना एक हेक्टर में कितना अलाउड है? सर 1 हेक्टेयर में मार्किंग की जो मात्रा है वो 4.2 kg है पर फोर पॉइंट हेक्टेयर। टू केजी यदि ज्यादा होती है तो? ज्यादा होती है तो सर उनको फिर हर साल पट्टे दिए जाते हैं, मतलब उनका पट्टा कटता नहीं है, ये उन्होंने एक मानक डिसाइड कर रखा है। और कम होती है किसी कारणवश, तो यह किस आधार पे सरकार डिसाइड करेगी कि ठीक है ये किसी कारणवश ये कम है? वो अलाउड जो सेक्टर्स से, वो कौन कौन से भाई जिसके कारण सरकार मान्यता देती है, जी सर, वो कौन कौन से कारण है? सर जहां तक मुझे मालूम है सर मार्किंग नहीं है, बाकी सर इसमें मुझे नहीं, थोड़ा किसी कारण वर्षा कम हुई या ओलावृष्टि हो गई तो अफीम की खेती बिगड़ गई, तो जी सर, अफीम की खेती बिगड़ गई तो मॉर्फिन तो कम ही निकलना है, जी सर, तो वो और कौन कौन से रीजंस हैं, सर कारण वो उसके हैं? बारे में मुझे नॉलेज अभी कम। अच्छा, यदि किसी कारणवश आपको जैसे पता चलता है कि इन्होंने अफीम कहीं प्राइवेट जगह पर बेचा, जी तो सर, क्या कार्रवाई कर सकते हो आप? सर ये नारकोटिक्स विभाग, जहां तक मुझे ध्यान नारकोटिक्स विभाग का, पटवारी इसमें, पटवारी का कोई इसमें रोल नहीं होता। अच्छा, आपका गणित विषय रहा है, जी सर, बाइनोमियल थ्योरम क्या है? सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा, मुझे ध्यान तो आ रही बाइनोमियल थ्योरम NCR पर, कंप्लीट याद नहीं आ रहा। आपका हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम, गणित में, हिंदी मीडियम, सॉरी हिंदी सॉरी सर MSc इंग्लिश मीडियम में, MSc इंग्लिश मीडियम में था इंग्लिश ना? मीडियम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है? जी सर, पढ़ा होगा ना आपने, जी सर पढ़ा था पर चूंकि 2017 में कंप्लीट किया था, उसके बाद सर तो जॉब में आपको आ तो गया विषय तो। होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। अच्छा, कैलकुलस पढ़ा है आपने, क्या जी सर पढ़ा के, सॉरी होता है कैलकुलस? सर इस संबंध में मुझे थोड़ी जानकारी कैलकुलस नहीं। का यूज आप पटवारी के पद पे रहकर कहीं करते हैं सॉरी कि सर, वर्तमान में कोई मशीन आ गई है उससे सब कुछ आंकड़ा निकल आता है? किसी व्यक्ति की भूमि है जी जो सर, आड़ी टेढ़ी है, जी सर, उसको हमको मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे हम? सर अभी जो भूमि के सीमांकन के लिए ATS मशीन और जरीब दोनों का उपयोग किया जाता है, पर सामान्यतः ATS मशीन एक तहसील में एक ही उपलब्ध हो पाती है, तो जरीब से ज्यादा सीमांकन किए जाते हैं, ATS से कुछ किए जाते हैं, अगर मशीन उपलब्ध हो तो फिर उससे किया जाता है, अच्छा बाकी जरीब से सर अभी हो रहा है सीमांकन। अच्छा क्या होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जी क्या इसकी विशेषताएं? सर, ये जो जैसे मानव जो सोचता है उस तरीके की उसमें मशीन होती है, जैसे इसमें रोबोटिक्स में इसका उपयोग किया जाता है, और रोबोटिक्स के, सॉरी सर मैं और पढ़ूंगा सर, मुझे जानकारी कम अच्छा है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपको अपने एक बस्ता रहता है आपके पास, जी सर, उस बस्ते की जगह वर्तमान में हम डिजिटल डायरी दे दें, क्या जी काम सर, हो सकता है? जी सर अभी भी जैसे जो ई बस्ता हम कहते हैं जिसको, ई जिसमें बस्ता, लैपटॉप होता है, तो हाँ हाँ लैपटॉप में सर सारी जानकारी किसी भी व्यक्ति के बारे में वो लैपटॉप में खोल के देखी जा सकती है। उसके लिए बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि सारा ऐप से काम होता है, RCMS पोर्टल से होता है, बोबिलेक से किसी का भी अपन खसरा खतौनी उसका नक्शा उसकी सीमाएं देख सकते हैं, और किसान के लिए भी MP किसान ऐप बनाया गया जिसे वो खुद भी अपना
भूमि की सीमाएं देख सकता है, खसरा खतौनी निकाल सकता है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो इसको ई बस्ता कहते हैं सर, हमारे इसमें अच्छा वजन कम हो गया है उसका। हाँ, यदि किसी का जो हेरा फेरी अपन बोलते हैं जिसको, या अपन त्रुटि बोले जी सही सर, भाषा में त्रुटि बोले, जी सर, यदि कोई पटवारी उस चीज को हेरा फेरी करता है, जी सर। क्या संभव है अभी? सर वर्तमान में जो जैसे जो आदेश अमल होते हैं सर, वो बुलेट एमपी बुलेट से होते हैं, साइट से होते हैं सर, और उसमें पटवारी की आईडी लॉगिन होती है सर। तो वर्तमान में सर कोई भी पटवारी अगर कुछ भी हेरा फेरी करता है, पता चलता है कि किसने किया है। तो सर पूर्व अभी में वर्तमान में तो संभव नहीं। इससे पहले सर जो हस्तलिखित जिसको अपन मैनुअल कहते हैं सर, वो होता था, तो उस समय कर सकता था अगर चाहे पटवारी, तो अगर वो अपने पदों का दुरुपयोग करे तो कर सकता था सर, क्योंकि अच्छा वो हाथ से होता था, वर्तमान हाँ में संभव नहीं है सर। ठीक है। अच्छा, अब आप एआर की एग्जाम के लिए आए हैं, तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले जो नेक रहता है, नेक रहता है, जी नेक का क्या काम रहता है? सर, ये जो यूनिवर्सिटीज होती है सर, इनको ग्रेडिंग प्रोवाइड ग्रेडिंग देते हैं, ए ए प्लस जो भी है ग्रेडिंग के लिए। सबसे बड़ा ग्रेड क्या रहता है? आई थिंक सर वो 8 प्रकार की ग्रेडिंग देते हैं, ए प्लस प्लस होगा सर, मैं श्योर नहीं हूँ उसमें, ए प्लस प्लस होगा। अच्छा, और आप जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, विक्रम विश्वविद्यालय, जी सर, उस विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग क्या है? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, आप कहें तो सर मैं गेस कर सकता हाँ करिए, हूँ, बी प्लस होगी सर। सॉरी ए प्लस है। सर, मैं को उसका नाम। अच्छा, नेक ग्रेडिंग के अलावा और क्या कार्य करता है? ग्रेडिंग सॉरी सर, मुझे इसका का क्राइटेरिया पता है आपको, किस आधार पे वो ग्रेड करता है? ए प्लस प्लस किसको देगा, ए प्लस किसको देगा, ए किसको देगा? सॉरी सर, अच्छा, आखिरी प्रश्न, जी सर, एजुकेशन के मिनिस्ट्री का पूरा नाम क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर होता है, एचआरडी मिनिस्टर होता है? सर अभी वर्तमान में सर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया। शिक्षा मंत्रालय का दिया जी गया। सर, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब आया था? सर ये श्री राजीव गांधी जी के समय 1986 में इसका नाम था। 85 में, नाइनटीन जी एटी सर, फाइव में। हाँ ठीक है, सॉरी ओके, सर, थैंक यू। मुझे क्या मैं आपका नीलकमल, जी सर, आपका जो क्षेत्र मंदसौर बहुत चर्चा में फेमस है इस समय, क्यों ऐसा क्या है वहां पर कुछ है क्या? सर एक तो जो अष्टमुखी पथ भगवान पशुपतिनाथ की, नहीं, अभी वर्तमान बहुत चर्चा में है, कुछ बड़ा मंत्रालय मंत्रालय मंत्री मंत्री कुछ वहां से निकले हैं। जी सर, वो अभी जो श्री दत्तजी देवड़ा जी को डिप्टी सीएम बनाया गया है सर। मंदसौर की है वापस क्षेत्र में, जी सर, वो मलाड़गढ़ तहसील से, मलाड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक। डेप्यूटी सीएम समझते क्या होता है? जी सर, एक संवैधानिक पद होगा, वैधानिक पद होगा, किस प्रकार का पद होगा? सर जहाँ तक मुझे ध्यान है कि संविधान में डिप्टी सीएम के पद का उल्लेख तो नहीं है, पर इससे पहले भी मध्य प्रदेश में सर 4 व्यक्ति डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं सर। कौन सर एक तो फर्स्ट जो थे वो जावद से थे, और उनका नाम श्री वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी, एक सुभाष जी करके हैं सर, मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी सुभाष सर, यादव जी? हाँ यादव जी होंगे सर, ठीक है, और और एक शायद जमुना देवी जी हैं, महिला भी नहीं है, महिला भी रही। और और एक सर और शिव भानु सोलंकी। जी सर, भानु सोलंकी जी, तो ये पद क्यों बनाया? जब संविधान में उल्लेख नहीं है तो फिर ये क्या बोलते हैं, क्यों ये पद दे दिया जाता है? क्या से यूज होता है, क्या यूज होता है इसको? यूज तो सर इसको ऐसे किया जा सकता है कि जैसे जो वर्तमान जो सीएम है सर, किसी कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता है या वो छुट्टी पे होते हैं, तो जो कैबिनेट की बैठक होती है उनको सर सीएम लीड करते हैं, तो सर उस समय वो डिप्टी सीएम उनको लीड करते हैं। और जिन राज्यों वो में डेप्यूटी सीएम नहीं होते वहां कौन लीड करे? राज्य में तो नहीं होते, तो अभी अभी ट्रेंड में आ गया है सब। ये कैसे जी सर, तो उसमें सर जो भी भी राजनीतिकरण होता है, जाति को साधना, धर्म को साधना, ऐसा कुछ करना होता है। किस वर्ग से हैं देवड़ा जी? दलित देवना जी, आई थिंक एससी अनुसूचित जाति वर्ग से। जी सर, वर्ग से हैं, जी त्रिपुरी वर्ग सर, से? तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये दलितों को साधने के लिए बना है, ऐसा कुछ है क्या? मानते मैं सर ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि सर उनकी योग्यता है, वो 8 बार से मलाड, सॉरी 6 बार से तो शायद मलाड़गढ़ विधानसभा से विधायक है, और उससे पहले 2 बार शायद सुवास से अभी कौन उन्होंने, सा पोर्टफोलियो था उनके पास लास्ट वाली गवर्नमेंट? जी उनके पास वित्त मंत्रालय था सर।
वित्त मंत्रालय जी का एक रात कोई बड़ा डिसीजन उनका जो बड़ा प्रभावशाली रहा हो मध्य प्रदेश के लिए, उनके वित्त मंत्री रहते, कुछ आइडिया हो? सर, ये बजट उनके समय में पेश हुआ, मैं याद कर रहा हाँ हूँ। हाँ ठीक है, वही मैं पूछ रहा था। आपने अपनी हॉबी लिख रखी है पढ़ाना, जी क्या सर, पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, किस आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाते? जी सर, मैंने जैसे 12th पास की थी और उसके बाद से थोड़ा सर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो पहले मैं सर 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाया, फिर ठीक है, बहुत ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सर 11th 12th भी पढ़ाया, और बढ़िया। जब सर मेरी जॉब लग गई पटवारी की तो इसके बाद से सर मैंने कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाया। पर उसके बाद से सर मैं जो जब समय मिल पाता है जैसे सैटरडे संडे होता है, तो जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए हैं तो उन बच्चों के लिए मैं फ्री जो भी टॉपिक मुझे पढ़ाना होता है मैं एक दिन पहले उस 1 या 2 दिन पहले उनको इन्फॉर्म करके फिर उनको निःशुल्क पढ़ाता हूँ वो टॉपिक पढ़ाता हूँ। ऐसे मेरी हॉबी चलती है। कंपटीशन वाले बच्चों को क्या पढ़ा? मैथ से भी पढ़ा है सर मैंने, और बाकी भी कोई सब्जेक्ट है किसी से रिलेटेड कोई टॉपिक है या फिर कोई घर पे जो मुझे परिचित है जो मुझसे पढ़े हुए आ जाते हैं तो मैं उनको मैथमेटिक्स समझाता हूँ। काफी कमाल है, नहीं कह सकते तो पढ़ाई हम जब ही जब हमारा खुद का फंडामेंटल चाहिए जी सर, मैथमेटिक्स तो पकड़ अच्छी है। जी सर ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बाकी सर ने क्वेश्चन पूछे थे ना आपसे, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर ने कॉम्पिटिशन वाले नहीं पूछे थे, अपने कॉलेज एकेडमिक वाले पूछ लिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा मैं जी आपसे, सर, अभी जी सर, कुछ समय पहले की बात है, पटवारियों ने बड़ा जन आंदोलन किया था जी सरकार सर, के खिलाफ, जी सर, तो क्या था वो, किस वजह से था? सर वो पटवारी का भी सितंबर माह में किया था जो हड़ताल की थी पटवारियों ने, जी न्याय अकाल। संगत जो हड़ताल की थी वो सर वो एक तो वेतन विसंगति के संबंध में थी जी और दूसरा सर जो भत्ते मिलते हैं उनको बढ़ाने के संबंध में थी। तो सरकार ने सर वहाँ पटवारियों की मांग को माना भी है और 2400 ग्रेड पे के लिए अभी वो प्रक्रिया चल रही है और 4000 अतिरिक्त भत्ता बढ़ाया गया है। अभी क्या पटवारी रेट है? अभी 2100 ग्रेड पे सर, 2400 की मांग हो रही है। नहीं सर 2800 की मांग थी बट शासन ने 2400 के लिए प्रस्ताव को वो चल रहा है मतलब अभी। तो उसी समय आपको पता होगा नायब तहसीलदारों ने भी मांग की थी कि हमको सेकंड क्लास ऑफिसर बनाएगी, जी उनका सर, 24 घंटे में नोटिफिकेशन जारी हो गया और आपको कई महीने तक बैठना पड़ा, मतलब सरकार का लगभग दे तैतीस क्या था दिन कितना, सर हमारी हर 33 दिन हमारी हड़ताल चली सरकार थी। भेदभाव करती है मतलब ऑफिसर्स में और पटवारियों में? नहीं सर भेदभाव तो नहीं कह सकते, उन्होंने बोला है कि हम वो उसकी जांच करवा रहे हैं तो किसी कमेटी, सॉरी मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, कमेटी के पास उसको भेजा है तो वो उसके विसंगति जो भी होगी ग्रेड पे के संबंध में वो दूर करें। जो हड़ताल की आपने बात की, हड़ताल का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जी सर, जो संविधान का आर्टिकल 19 उसके तहत सर न्याय संगत और जो न्याय संगत हड़ताल करने का सर अधिकार। उसमें तो अपवाद में लिखा है कि ये अधिकार नहीं है, इस अधिकार में जो तरीके आते हैं संघ बनाने के, जुलूस निकालने के, परमिशन लेने के, उसमें हड़ताल को अपवाद में रखा, तालाबंदी सर नियम में। अनुसार हड़ताल की जाए तो सर सही है, अगर नियम के विरुद्ध कोई की जाए नहीं लिखा तो। था संवैधानिक अधिकार 19 में सॉरी लिखा सर है? मुझे उसके संबंध कोई में। नहीं। सर नीलकमल जी, जी सर, आपके नाम का अर्थ क्या होता है? सर नीला कमल इसका अर्थ है जो कि एक कर्मधारय समास है। कर्मधारय। अच्छा, कमल कितने कलर के होते हैं? सर 4 कलर के मैंने पढ़ा था, 4 कलर के होते हैं, एक सफेद होता है, एक नीला और एक बैंगनी होता है, और एक सर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, 4 कलर के मैंने पढ़ा। किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह भी है कमल, जी सर, इसमें कौन से कलर का है? सर वो मुझे लगता है बैंगनी होगा सर, मुझे बैंगनी कंफर्म हो नहीं, गया, कंफर्म नहीं है सर। कंफर्म नहीं, कोई बात नहीं। आप जी सर, मंदसौर से हैं, जी सर, कौन सी विशिष्ट पिछड़ी जनजाति पाई जाती है वहां पे? सर विशिष्ट जनजाति सर जो भील हैं वो पाए जाते हैं सर, भील वहाँ पाई भील जाती है। जनजाति पाई हमारे अच्छा, बाछड़ा, आसपास भी बाछड़ा होते हैं जाति कहाँ पाई जाती है, सर, मंदसौर में है बाछड़ा कौन सर। सा क्षेत्र है उनका? सर ऐसा कहते हैं कि मंदसौर में 40 से ज्यादा गांव में वो निवास करते हैं। वो समाज के पहले कैंडिडेट पीएससी से सिलेक्ट हुए, आपको जानकारी है आपके क्षेत्र? सॉरी सर मुझे पहले का तो नहीं ध्यान है, पर जो अभी सर इससे पहले जो समाज से आते हैं और वो अभी नायब तहसीलदार के पद पर थे सीतामऊ सर, सीतामऊ उनका में जी सर, अभी उनका वर्तमान में वो उज्जैन में। उज्जैन आ गए। जी सर, बाकी फर्स्ट का सर मुझे ध्यान नहीं। अच्छा, आप विक्रम विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन पीजी दोनों किया है, जी सर, आप बताइए कुलपति कौन है आपके विक्रम विश्वविद्यालय के? श्री अखिलेश जी पांडे।
श्री अखिलेश जी पांडे अभी है वर्तमान में, चेंज हो गए वो तो? सर मैंने पढ़ा तो अभी वो मैंने पढ़ा था तो वही है सर, जहाँ तक मैं याद कर कुछ पा समय पहले बदला हुआ था रहा हूँ। सर मैं अपडेट उनका। करूंगा, देखूंगा। चलो, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? कुलाधिपति जो होते हैं वो राज्य के सर माननीय राज्यपाल होते हैं, तो सर वो ही है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल वही है ना। जी। अच्छा, एआर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? सॉरी सर मुझे नहीं, आप सिलेक्ट हो जाओगे तो कब तक काम करते रहोगे? मत कुछ एज का क्राइटेरिया रखा होगा ना कि इतने वर्ष की उम्र में आपको रिटायर कर दिया जी सर जाएगा? वो 62 होगा जो 62 राज्य वर्ष। शासन का है सर। अच्छा, आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके हस्ताक्षर से प्राप्त होगी? सॉरी सर मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है अभी सर, अच्छा, मैं कोई इसको बात नहीं। पढ़ूंगा सर। कुलपति को बर्खास्त किया जा सकता है किस धारा के अंतर्गत? सॉरी सर मुझे धारा नहीं। कार्य परिषद क्या होता है? कार्य परिषद के कार्य मालूम है आपको विश्वविद्यालय के? सॉरी सर मैं माफी चाहूंगा, मैंने अभी सर ये यूनिवर्सिटी से संबंधित सर अध्ययन नहीं विश्वविद्यालय किया है, मैं देखा इसको नहीं है पढ़ूंगा आपने? सर चलो अपना कोई सर। बात नहीं, देख लेना आपने, है जी ना। सर मैथमेटिक्स में आपने एमएससी किया है और आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है, परसेंट शुरू से बहुत बढ़िया है, जी सर फिर आप पटवारी क्यों बन गए और एआर बन क्यों बनना चाहते हो? क्या फायदा मिलेगा एमएससी मैथ्स का यहाँ? जी सर सर इसमें शुरू जैसे जो मैंने जब 12th किया था तो मैं ग्रेजुएशन के समय सर जब मैं थोड़ा छोटा था तो मैं जहाँ पे निवास करता हूँ सर वहाँ पे जो बहुत सारे शासकीय आवास हैं, तो मैं मम्मी के साथ, मम्मी जो कि सब्जी बेचने का काम करती है सर, तो मम्मी के साथ जाता था तो मैं पूछता था कि ये किसका मकान है, ये किनका आवास है, तो वो कहते थे कि ये अधिकारियों के मकान है जो साफ कहते हैं वो उनकी भाषा में, तो वो बोलते थे कि आप भी पढ़ोगे तो बन जाओगे, तो मुझे सर उतना उस समय तो समझ नहीं थी। फिर मैंने ग्रेजुएशन जब कर रहा था मैं उस समय सर एक बालिका को पढ़ाता था मैं जो कि 6ठी क्लास में पढ़ती थी उस समय, उनके जो अंकल थे सर वो पीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मैंने उनसे इस बारे में इसके बारे में उनसे चर्चा की, फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इसकी तैयारी करना चाहिए, तो सर मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट की ग्रेजुएशन के बाद से, ग्रेजुएशन करने के बाद। फिर पटवारी में सर ऐसा कि मैंने 14, 15 और 16 के अटेम्प्ट दिए सर, और मेरी कुछ कमियों की वजह से मेरा उसमें चयन नहीं हो पाया, तो फिर सर मैंने अपॉर्चुनिटी के, चूंकि फाइनेंशियल सपोर्ट भी फैमिली को करना था और मुझे पढ़ना भी था, तो मैंने सर जो पटवारी की एग्जाम निकली तो सर मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और उसका एग्जाम दिया और उसमें मेरा चयन हुआ। उसी के साथ में सर मैं सिविल की तैयारी भी कर रहा हूँ, और सिविल की तैयारी करते हुए सर मैंने 4 तो फॉरेस्ट के मेंस दिए हैं चलो कोई बात नहीं, जी। उसकी ज्यादा जानकारी नहीं देना, नहीं तो जी फॉरेस्ट सर पे पूछ लेंगे। जी सर आपका एमएससी मैथ्स भी है और पढ़ाना भी आपका रुचि में लिख रखा है जी आपका, सर है ना। बताइए जीरो क्या है? जीरो को डिफाइन करिए। कोई विद्यार्थी पूछ ले, सर जीरो क्या होता है? मेरे हिसाब से सर जीरो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, क्या बात करते हैं। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो कर देता है वो जी सर तो बहुत कुछ होता जी सर उसको अगर किसी के पीछे लगाया जाए तो सर वही है। सर बहुत सारा वो तो जीरो पीछे लगते जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, अच्छा पर सर बताइए, उसका एक न्यूट्रल स्वभाव भी होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में न्यूट्रल लेना चाहिए, किसी को उसके साथ प्लस किया जाए माइनस किया जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता, उस नंबर को फर्क नहीं पड़ता, यह भी सर उसकी एक विषय सीखा जा सकता है रेशनल और इरेशनल, जी सर। परिमेय और जी अपरिमेय, सर दोनों में क्या अंतर है? सर परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और जो इरेशनल नंबर होते हैं सर उनको पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उदाहरण के रूप में जैसे पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या जैसे उदाहरण ले सकते सर 1/2 है जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता। एक तरीका अच्छा ये बताने का है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, जिसका अंत नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं जिसमें, तो वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी? सर वो अपरिमेय होगी अपरिमेय होगी। हाँ, वो अगर उसका जो डिविडेशन है वो पॉइंट के बाद अगर वो रुक नहीं रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होती है सर। अच्छा, ये प्राइम नंबर सुना आपने, जी सर क्या डेफिनेशन होती है? प्राइम भाज्य, नंबर अभाज्य है ना, अभाज्य संख्या अभाज्य सर, संख्या। प्राइम नंबर वो होते हैं जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उनको वेरी प्राइम नंबर कहते हैं। गुड। तो वन क्या है? 1 सर प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। वन, आपकी डेफिनेशन तो 1 प्लस
सर वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है वंश, क्योंकि क्यों नहीं कर वो रहा? स्वयं को डिवाइड करना चाहिए और वंश होना चाहिए, पर वो दो इंडिविजुअल नहीं है, स्वयं एक ही। तो स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है, वंश से भी डिवाइड हो रहा है ना वो तो। सर उसको दो फैक्टर बनना चाहिए, ये बोलो आप, तो दो फैक्टर। डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगी। एक्सेप्ट वन ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय प्लस माइनस वन एंड इटसेल्फ, है ना? एक्सेप्ट वन, यहाँ से चालू होगी पूरी। समझ आऊंगा, आप हिंदी में कहेंगे तो मैं समझ। अच्छा अच्छा कोई बात, एक को छोड़कर, है ना, वेग को एक को छोड़कर, वन को छोड़कर, जी है ना, सभी नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं और प्लस माइनस वन से भी डिवाइड हो जाते हैं उनको प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के। वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? वन एंड वन इन्फिनिटी, उसको गणित की भाषा में सर अपरिभाषित कहा जाता है, अनडिफाइंड कहा जाता है। ऐसा नहीं है, वन बाय जीरो ना सर। आपने टीटी पढ़वाई होगी बच्चों को ना, त्रिकोणमिति टेबल, जी सर। तो एक बटे अनंत आया होगा ना, वन अपॉन इन्फिनिटी सर, उसको शून्य कहेंगे, शून्य हो जाता है ना, जी तो उसका तो नाम। जी सर मैं सर सॉरी सर मैं वन बाय जीरो समझा। अच्छा इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी हो तो क्या हो जाएगा वैल्यू इसकी, वन होगी कि जीरो होगी कि और कुछ होगी? जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर इन्फिनिटी होगी। क्या इन्फिनिटी क्या है ये बता दीजिए। इन्फिनिटी सर ऐसा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जिनको सर अपन काउंट नहीं कर पाए, अनंत तक जिसकी कोई सीमा ना हो। क्या नंबर है ये? सॉरी सर मुझे इसके बारे में नंबर नहीं, सिंबल है ये तो, सिंबल है सर, सिंबल है सर वो जिसको अपन काउंट नहीं कर पाए, वो जो उतनी संख्या को, तो फिर इन्फिनिटी लिखा जाता। नंबर होता है ना तो काउंट कर सकते हैं, जी सर सिंबल को काउंट नहीं कर सकते। जी सर आखिरी प्रश्न आपसे, जी सर डिफाइन पाए, पाई की परिभाषा बताइए। सर पाई को आर्यभट्ट जी ने डिफाइन किया था, और अगर परिधि को जो सर्कल वृत्त होता है उसकी परिधि को अगर उसके व्यास से विभाजित किया जाए तो सर पाई आए। वेरी गुड।